हमारा दोस्त हिचहाइकिंग करते हुए हमको बुला लिया 4 किलोमीटर, और ये हूँ मैं आपका जीतू। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू ट्रिप टू बोधगया एंड राजगीर एंड सम अदर पार्ट ऑफ द बिहार विद द हेल्प ऑफ दिस माई ब्रदर, एंड विथ अस हैव वन फॉरनर गाई, यू कैन लुक दिस गाई, इट्स अ न्यू टी शर्ट। How was your night? It was great in the village. No. It's good? Yeah. It was a different experience. But it was great. We saw lotus, lotus flower. And a lot of frogs in the market. So now where we are going? Bodhgaya. Yeah. So are you excited? Starting our trip, we are going to fill the fuel because, like human, this vehicle also want food. So here, food is the diesel. So right now, we are taking a fuel. It's a diesel. In your country, diesel is available there? Great. So, जैसा कि देख रहे हो, अभी मैं एक पेट्रोल पंप पे आया हूँ. और ये जो पेट्रोल पंप है, ये NH30 पे है. और अगर मैं अपने घर के बात करूँ, तो मेरे घर से अप्रोक्स 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है. और ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और हम लोग यहाँ से अपने इस गाड़ी को फुल करने जा रहे हैं. और जैसा कि आप देख रहे हो, डीजल हम लोग ले रहे हैं. तो आप देख सकते हैं 3180 रुपये का डीजल हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिया है. 109 किलोमीटर. थैंक यू NH डिवीजन पटना, यू कैन रीड इन इंग्लिश. ओके, तो हम लोग गया जा रहे हैं, और अभी हम लोग हैं जो कि लगभग नियर बाई बस स्टैंड के पास है, जो पुरानी वाली थी. और मैं आपको दिखा रहा हूँ फोर्ड का सर्विस सेंटर और कार सेल पॉइंट. और ये मैं आपको थोड़ा सा मानचित्र दिखा देता हूँ. ये हमारा रोड का जो डायरेक्शन है, ये आपको दिखा देता हूँ. ये आप देख रहे हो यहाँ पे अनिसाबाद पटना के लिए इधर से जाना है. और अभी हम लोग NH30 पे हैं. आर गोइंग बाई दिस वे, पुनपुन 10 किलोमीटर, मसौरी 28 किलोमीटर, जहानाबाद 45, गया 93 किलोमीटर. इज स्कूल बसंतली गणपति. This is also in Patna. In this video, my sir is there. Overall, he is my god today because he is sitting in the steering. आपको मैं भगवान बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ नैया पार कराने वाले दाता हो. तो आप हमारे मिल लीजिए भगवान जी से, जो आज हम लोग को सही सही जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुँचाने वाले हैं. और पीछे मिल लीजिए, हमारे मित्र लोग हैं, और एक हमारे मित्र सो गए हैं शायद. सो टिल दैट यू स्टे ट्यून्ड, वी विल कैच यू समवेयर इफ वी फाइंड समथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस वे. आप देख सकते हो कितना ही ब्यूटीफुल व्यूज आ रहा है. एक्चुअली हम लोग जो है अभी मेन रोड से नहीं है, ये एक साइड रोड है, उससे हम लोग जा रहे हैं. एक्चुअली इन पटना वी हैव अ फोर रिवर, सो दिस इज वन ऑफ देम. It is small, but it is also a river. It's a Punpun river. The scenario of views. हम लोग भोजपुरी अपना संस्कृति का गाना सुनते हुए रास्ते में चल पड़े हैं एक अनजान मंजिल की ओर. मी, हम, हमारे मित्रगण सब हैं. देख रहे हो लोकेशन कितना अच्छा है, और हमारे भैया जी एकदम मस्ती में चला रहे हैं, दिल खोल के कंट्रोल रखते हुए. And here I am your Jitus. This is the Taregna railway station. This Taregna we can call a Masauri also. So right now we are in Masauri, and from here our distance is 66 kilometer. This road we call NH for national and HS means highway, national highway for repairing. It do by the central government. It's not by a state government. Got it? So this is like that. And right now we are not in Patna. We left Patna. This is the Jahanabad. Another city we enter. बाहर नहीं जाएगा. बाहर लगता है. भोजपुरी गाने का आनंद लेते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो. और ये हमारा बिहार है. जहानाबाद सिटी, दैट वॉज द मेन सिटी ऑफ बिहार, कैपिटल. दिस वन इज द स्मॉल सिटी लाइक वाराणसी इन बिहार. सो राइट नाउ वी आर स्टॉपिंग हेयर फॉर टेक सम स्नैक्स, एंड जस्ट नाउ आई ओपन डोर. And weather is too hot. I feel like that's
लाइक आई एम गोइंग टू बी बर्न हेयर। आप कैसा महसूस कर रहे हो बॉस? एसी से निकलने के बाद बहुत गर्मी लग रहा है। हाँ ये तो है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हो अभी हम लोग जहानाबाद में हैं। वी यूजिंग अ बाइलिंगुअल लैंग्वेज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो हाउ यू फीलिंग हेयर लाइक वेदर? इट्स हॉट नो इनसाइड द व्हीकल्स यू फीलिंग कोल्ड राइट? दिस वन इज द अनदर सिटी इन बिहार। दिस सिटी नेम इज द जहानाबाद। व्हाट यू कॉल? जहानाबाद। यस लेट वी हैव टू टेक सम स्नैप्स। आप देख रहे हो अभी हम लोग जहानाबाद में हैं और यहाँ से हम लोग एक बर्गर लेने वाले हैं। So you like burger, right? Okay. You can look, my friend is clicking a picture with the Tata. He is thinking it's a Tata's brand. And I told, yeah, it's a Tata brand. Yeah, it's of course it's a Tata brand. That's why he keeping, right? You have to be take. No problem. So my both friends are eating. How's it? It's spicy? Okay. Do you like this taste or not? It's good, yeah. तो आप देख रहे हैं हमारा एक दोस्त है और हमारा ये भी दोस्त है। ये दोनों मोमोज खा रहा है। नाउ यू हैव टू स्पीक समथिंग इन स्पेनिश। Estos son momos, son muy clásicos en India, tienen diferentes tipos, al vapor. Entonces son suaves y estos son con vegetales adentro. También se pueden freír y también hay con pollo, con queso y les ponen salsita al lado, ketchup o catsup. Y una salsita, no sé de qué sea, pero es una salsita india. तो चलिए थोड़ा सा हम भी एक खा के देख लेते हैं क्या सर। नाउ इट्स माय टर्न। हाउ इज इट? इट्स रनिंग राइट। सो दिस इज द मोमोज। इट्स मेड इन दार्जिलिंग एंड नेपाल एंड वी आर यूजिंग इन बिहार। सो आई एम गोइंग टू टेक। हाउ इज इट? या इट्स गुड बिकॉज इट्स टेस्ट इज लिटिल स्वीट। It's not like that in because of the ketchup. No. You're not like that. Are you salty, right? Yeah, there is the salty, but it's good for me. You eat. I don't want. I don't like this cheese. So now, how was your night yesterday? When you are in Delhi, people are asking about the Biharis. They are very criminal like that. So now, how you feeling here? Yes. Now, total. For real? Okay. They told me that yeah, a lot of bad things happen here in Bihar. Yeah. But no, since now everything has been okay with the people, this guy, very good. So these are the rumors, right? Like Biharis are not good and that. So now you have to feel. Because you are presently present in the Bihar, right? Now this is the land of Bihar, right? Yes. And in opposite side, this is the Bihari. Even I am the Bihari. So now you are feeling comfortable with us? Yeah, totally. Yeah. And that happens when in the news someone tells you something. But maybe it's not true. You have to be in the place to realize that it's not like that. So you have to live it by yourself and experience it by yourself. And then you get to know the reality. Let's be move and talk because we have to go a little bit farther. Now say. The reality is nice. Yeah. India is good. So are you happy? Yeah. Oh, so I'm your small brother, not friend, okay? Keep in your mind. When I am in Mexico, you have to be treated like that. I'm your small brother. Okay. So come. I'm opening for you. Go. Namaste. Yeah. Namaste. Sit. तो अभी आप देख रहे थे इसको दिल्ली में कुछ लोगों ने बोला कि बिहारी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो मैं इससे इसका रिव्यू पूछ रहा था कि एक्चुअली में बिहारी होते कैसे हैं। तो इसने बताया कि टोटली अपोजिट होते हैं। तो हमें अच्छा लगा। तो अगर आपको बिहार को समझना है, बिहार को फील करना है, तो इसके लिए आपको बिहार आना पड़ेगा। घर बैठे बैठे ये नहीं पता चलेगा कि कोई भी जगह कैसा होता है और क्या होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ फिलहाल अभी तक इतना ही। अब हम लोग जहानाबाद को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं और निकल रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। टिल दैट आप गाना सुनाते हैं आपको भोजपुरी का। तो आप देख रहे हो कितना ही सुंदर लोकेशन है और लोग क्या क्या बोलते हैं। ये हमारा बिहार है भाई। फर्स्ट आई प्लान टू एक्सप्लोर माय बिहार, देन आई हैव टू बी मूव फ्रॉम अदर कंट्री। करेक्ट? या ओ देयर इज नो ट्रेन कार्गो। आई नो न्यू थिंग्स फ्रॉम माय फ्रेंड। In Mexico, there is no public transport like a train, and everything is available in road. No train is there. Now we are listening a
a Spanish song in the demand of my friend. Actually, I play in my choice. Because I asked, because you are also here, right? That's why I asked, can I play Spanish? It's my choice because you are here, right? That's why I play. Now you enjoy this song. And my friend is enjoying their country song. And also, I am also enjoying because I like this song. 35 kilometers here from Mahabodhi, 47 kilometers. You have to be tested because you are lucky, because you are going to be eat this guava in the farm, not in the market. Yeah. Okay? मेरे पास 2 रुपया है और मैं अपना दोस्त से मांग कर ये दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो, ये बहुत मांग रही है. क्यों मांग रही हो पहले बताओ, क्यों चाहिए तुमको? लो. जब मैंने उससे पूछा क्यों चाहिए तो उसने बताया नहीं, पर उसके फेस से ऐसा लग रहा है कि कोई और है जिसको चाहिए उसको ना चाहिए, वो तो भी बस फूट चाहिए उसको. We are using map to reach our destination. Pond. You can read there, pond. Vetrani pond. सीधा था ना? बोल गया? सीधा चल. सब घुस गए हैं बोध गया. सो ये जो आप सामने देख रहे हो ये मेटा टेम्पल है. अभी रात का समय है और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी लॉकडाउन का समय है और बोध गया में सारा जो टेम्पल है वो बंद पड़ा है. ये रात का दृश्य है, कितना ही अच्छा और ब्यूटीफुल लग रहा है ये आप देख सकते हो. और सामने आप देख रहे हो बुद्ध भगवान का स्टैचू है, पर मंदिर खुला नहीं है. तो आप देख सकते हो ये हम हैं और ये हमारा मित्र है. कुछ इसको नहीं, थोड़ा बुरा लग रहा है देखने के बाद भी. आए थे दूर से, फिर आने को नहीं मिला अंदर. वी केम हियर सो फार फ्रॉम पटना टू बोधगया, विच इज रिच, एंड वी फाउंड दैट द टेंपल इज क्लोज. मोस्ट ऑफ द टेंपल्स आर क्लोज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोरोना. इट्स सैड बिकॉज दिस इज अ वेरी फेमस प्लेस. वी हैव अ लॉट ऑफ टेंपल्स हियर एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट टू बी इनसाइड, बट तो आप जो अभी ये देख रहे हो ये मेटा टेम्पल है. तो मैं यहाँ पे रात में आया था, तो रात में तो जो था बहुत ही अच्छा था, पर अभी जो है उतना खास नहीं नज़र आ रहा है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है. और आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे थाई लैंग्वेज भी लिखा हुआ है. ओवरऑल जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा. लॉकडाउन में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ बंद था, तो और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं. तो जो भी था ठीक था. ये आप देख रहे हो यहाँ हम लोग चेक करने आए हैं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रूम देख के बताते हैं. अच्छा, रूम तो ठीक है. पाको इज हियर, ही इज ओके. Right now we are in Gaya and now we are taking this tea in one small. नाश्ता करने के बाद थोड़ा घूम लेंगे और जितना जल्दी हो सके हम लोग छोड़ देंगे बोध गया. तो ये जो आप देख रहे हो ये महाप्रज्ञा गेस्ट हाउस है और इसका हम लोगों ने पेड किया है 600 रुपए. और हम लोग यहाँ पे रहे थे रूम नंबर 113 में. और मैं आपको यहाँ का व्यूज दिखा देता हूँ. मंदिर से बस बगल में ही है, ज़्यादा दूर में नहीं है. ये एक बाहर का है व्यूज. ये वाला जो आप सामने रोड देख रहे हो ये रोड सीधा मेन टेंपल की ओर जाती है, जो कि महाबोधि मेन टेंपल है. और इधर का आप कुछ नज़ारा देख लीजिए. ये अपना प्राइवेट बस लगाने का है और ये है रूम जिसमें हम रहे थे. तो एक छोटा सा यहाँ पे देखिए मछली पालन होती है. अब हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं 5 से 10 मिनट में और बोध गया एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे. तो यू वांट टू गिव एनी एडवाइस टू दोज हु वॉच दिस वीडियोस, व्हाट हैव टू बी टेक बिफोर चेकिंग इन द होटल और हॉस्टल और गेस्ट हाउस एनीवेयर? इफ यू आर फॉरेनर ऑलवेज गो फॉर द हॉस्टल. ओके, नेवर गो फॉर गेस्ट हाउस. ओके, बिकॉज़ दे कैन शीट ऑन यू. एंड हॉस्टल दे नो हाउ टू ट्रीट फॉरेनर. Because it's part of their experience. Indian people
are ambassadors of their country. So it's the things that we're gonna tell when we are back in our country. How they treat us is the image we get from the country we're visiting. So every good thing and every bad thing we're gonna tell to my to our family, to our friends. So yeah, थैंक यू फॉर टेलिंग एवरीथिंग इन ओपनली. ओके थैंक यू सो मच. तो आपने जो देखा ये हमारा पाको दोस्त था गॉडी, ये मैक्सिको से था और ये हम लोग के साथ पिछले एक सप्ताह से मान के चलिए कि इधर उधर घूम रहा है. और मैंने ये जो आपको होटल के बारे में बता दिया है वो आप समझ सकते हैं और मैंने आपको दिखा दिया है. तो ये आप लोग को एज्यूम करना है कि ये कैसा था, क्या था, बजट में क्या था. गेस्ट हाउस जिसमें हम लोग ने रुका था आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है महाप्रज्ञा गेस्ट हाउस, सक्सेना मोड़ के पास है. और ये हमारा बिल है. जो भी था ठीक था, अच्छा था और बहुत ही शांति एरिया है. तो यहाँ से ऊपर से दिखा देते हैं कैसा है. ठीक है, जस्ट इसके बगल में एक होटल इंटरनेशनल है. चलिए अब यहाँ से निकलते हैं. हम लोग ई रिक्शा पकड़े हैं और अच्छा खासा गाना भाई साहब सुनाते हुए लेके जा रहे हैं. अभी मेन टेंपल के पास जा रहे हैं, देखते हैं टेंपल खुला है या बंद है. ये तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा. ये जो आप सामने देख रहे हो ये एक्चुअली एक होटल है. उसको दोस्त को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो. उधर चाहिए था उसको. तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये पूरा लॉक है और ये जो है 80 फीट का ये तो बुद्धा का स्टैचू है जो कि आज बंद है. तो इस वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया और मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप सामने देख सकते हो. और ये लॉक लगा है. फिलहाल हम लोग एक्सप्लोर ई रिक्शा से कर रहे हैं. आप देख सकते हो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है इस रास्ते में. तो ये सब जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो मंदिर जो है बंद है, उन्होंने बोला गया था कि खुला रहेगा मंदिर, पर खुला नहीं है. जैसा कि आप मेरे दाहिने साइड में देख रहे हो यही है मेन मंदिर बोध गया का. बहुत पहले मैं यहाँ आया था और आज दोबारा से आने का मौका मिला. टोटल जो है इसमें चार गेट हैं अंदर जाने के लिए मंदिर के अंदर. तो मैं अभी जो गेट नंबर चार है उस तरफ से इसमें घुसा था लेकिन मंदिर क्लोज होने के कारण तो मैं अंदर नहीं जा पाया क्योंकि लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है. हालांकि मुझे लगा था कि ये अनलॉक चार है तो खुला होगा, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया. तो बड़ी वाली आप देख रहे हो मंदिर, उनमें गौतम सिद्धार्थ विराजमान हैं. और एक ये वाला गेट है और जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो गेट के उस तरफ जो आदमी बैठा है उधर जूता चप्पल रखने का व्यवस्था है. ये जगन्नाथ मंदिर है, बहुत ही फेमस है. कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ आप जब आओगे तो इसे ज़्यादा अच्छे से फील कर पाओगे और पढ़ पाओगे. तो अभी फ़िलहाल अब यहाँ से निकलते हैं, कुछ है नहीं. मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं हम लोग. तो मैं इन भाई साहब के मदद से इनके छत पे आया और मंदिर देखने का कोशिश किया जो कि दिख नहीं रहा है, वो मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ. कुछ भी विजुअल नहीं है यहाँ से. तो पापस फ्रेंड आशुतोष इज हियर, ही ड्रिंक समथिंग स्वीट्स, आई डोंट नो इंग्लिश नेम, कॉल अनर्था. एंड दिस गाय इज द फ्रेंड ऑफ दिस, एक्चुअली कलीग, नॉट अ फ्रेंड. एंड दिस होल इज फॉर यू, यू ऑल फ्रॉम, नो फ्रॉम आशुतोष, दिस गिफ्ट फॉर यू. ओके सो कीप विथ यू एंड टेक इन मेक्सिको. आई कैन कैरी फॉर यू इन माय बैग, बट यू कैन जस्ट माइक्रोवेव इट फॉर 2 और 3 मिनट्स एंड इट विल टेस्ट, यू नो, मोर तो आप देख रहे हो ये मगध टेस्टी स्वीट है. यहाँ पे हम लोग कचौड़ी खाने वाले हैं और सब कुछ बंद है. सच पूछिए तो मेरा आना यहाँ वेस्ट हो गया. कर कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सप्लोरिंग अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है. हम लोग जो है कचौड़ी और छोला खा रहे हैं और जलेबी भी है और ये जो है छोले भटूरे खा रहे हैं और ये सब हमारे मित्रगण हैं जो यहाँ पे खाने जा रहे हैं. तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसा है. तो ये अभी गया का कचौड़ी है, बहुत दिन के बाद ये वाली कचौड़ी मेरे को खाने को मिला है और अच्छा है, टेस्ट अच्छा है. जलेबी भी है.
You want to explain something? This is Chole Bhature. This is a big bowl. It's big. The chicky. I don't like this. Why you not like this? I don't know. It's a bundi raita. Good for your stomach. It will keep cold. I like, but at the same but you time, don't like taste. At the same time, it's weird. Or like my body, everything. Okay. I don't know. So, जैसा कि आप देख रहे हो, अभी जो मैं बैठा हूँ, ये कि वर्ल्ड हेरिटेज के पास बैठा हूँ, और मेरे जब पीछे आप देख रहे हो, ये है महाबोधि टेम्पल का एंट्रेंस, और यहाँ से गेट नंबर 4 है। तो एक्चुअली लॉकडाउन के कारण हम लोग अंदर तो नहीं जा पा रहे, क्योंकि टेम्पल जो है पूरी तरह से बंद है। तो मैं सोचा कि फ़ोटो ही क्यों ना चार लोग अपने दोस्त के साथ। तो पीछे हमारा जो दोस्त है वो खींच रहा है। तो आप जो ये देख रहे हैं, श्री राम जानकी मंदिर, हमें लगता है माता सीता के लिए है ये मंदिर। अभी हम लोग जो है सुजाता घर के पास आए हैं, और ये खुला मिल गया बाय मिस्टेक आपको। अच्छा, टू द गौतम बुद्ध व्हाइल ही वाज डूइंग मेडिटेशन ऑन द डिफरेंट साइड। आई विल टेक यू टू देयर। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सुजाता घर है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सब हमारे दोस्त लोग हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्लेस एक लड़की के नाम से डोनेट है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ गौतम बुद्धा को खीर खिलाया था, जब वो अपने फास्टिंग के समय में और मेडिटेशन के समय में वो पीछे वाले जो पहाड़ है उसमें थे। तो Go and check once, is there or not? Yeah, make a hole. No, just you try to climb it and check it there. Yeah, anything is there or not? ये सुजाता कुटी है जो भगवान बुद्ध के खीर खिलाए हैं। ये सुजाता रानी करके थे, वही खीर खिलाए। ये भगवान बुद्ध ने 6 साल वहाँ तपस्या किए थे मंसवारी में। मंसवारी में ज्ञान प्राप्त नहीं हुए तो वहाँ से चल बैठे हैं। तो मलसंग ऑफिस मतलब कि पहुँचे हैं, एक बार का फेर के बगल में बैठे हैं। और ये सुजाता का पुत्र नहीं था, तो पुत्र हुई तो मतलब कि ये सुजाता ने एक महत्व मानी कि हमारा पुत्र होगी तो मतलब खीर के भोग चढ़ाएंगे। वही समय में इनका पुत्र पैदा लिए हैं, और वही समय में मतलब खीर का भोग चढ़ाने के लिए गए हैं। तो देखते कुछ साधु पूरे शरीर का हड्डी है, तो ये तो नौकरानी लोग गए थे। तो सुजाता के आन के बोल इनकी महारानी ऐसा ऐसा बात हम देखे हैं। चल के फिर जाके सुजाता ने खीर का कह के हमारे लिए भगवान पहुँचे हुए हैं, ये कोई साधु संघ नहीं, ये भगवान हमारे लिए आए हैं खीर का भोग लेने के लिए। फिर सुजाता आजा बाजा बस्ती दुनियादारी करके यहाँ से सजावट करके गए हैं। वहाँ भगवान बुद्ध जो अपना तपस्या में लगे हुए हैं और तपस्या में लगे हुए हैं, उस समय में सुजाता ने बोला कि महाराज हमारे हाथ से खीर का भोग दीजिए, आपका दिल में जो भी है वो आपका ज्ञान प्राप्त। इन तो सुजाता भगवान बुद्ध ने सोचा कि ये तो क्या बात है, अदरक आपका पलों को खोले हैं देखे हैं। तो सुजाता रानी तो कोई रानी थी, तो उसी समय में सुजाता का हाथ से एक दाना कई चम्मच से उठाए हैं, करीब 1139 चम्मच में खाना खाए, एक एक दाना तब थोड़ा पानी पिए हैं। तो शरीर में आत्मा आए हैं, तब भगवान बुद्ध जो कहे क्या हमारा कुमार शरीर शांति मिला। तो वहाँ भगवान बुद्ध दोनों वहाँ से चल पड़े हैं। तो मेन टेंपल जो बोध गया है, जो पर का पीपर गाछ है, वहीं पर बैठे हैं, वहीं उसका ज्ञान प्राप्त हुए हैं। बोध गया मंदिर मेन टेंपल के पास, ये तो कहानी है। आपने बहुत ही अच्छा बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो खीर वहाँ खिलाए थे, पूरा स्टोरी है। फल्गु रिवर वॉज ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, दिस इज निरंजना रिवर एंड बोथ द रिवर फॉर्म रिवर फल्गु जस्ट 3 or 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। एंड व्हाट इज दैट माउंटेन? दैट इज द प्राग बोधि केव्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एंड वेयर दैट सिद्धार्थ गौतम बुद्धा टेक? या देयर इज अ पर्टिकुलर केव, ओके, इनसाइड ही वाज मेडिटेटिंग एंड सुजाता ऑफर्ड खीर
Yeah, they travel from there to there, right? Yeah, that's why that uncle also told like that. And you'll find the water clean. It's very clean. You want to bath? I do. Yes, please. कपड़ा उपड़ा है ये कूद जाओ भाई तो आप देख रहे हो कितना ही बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो यही कहूँगा सजेस्ट कि आप एक बार आइए और यहाँ पे आनंद लीजिए शाम के समय में। कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो एक बार नहा लो। देख रहे हो कितना ही ब्यूटीफुल नजारा है, बहुत ही सुंदर दृश्य आप सामने देख रहे हो हमारे। हाय, देखिए हमारा ये मित्र है, ये थक गया, बस 800 मीटर की चढ़ाई करनी है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ आपको माउंटेन में, पर हमारा दोस्त थक गया है और हमारा विदेशी जो दोस्त है वो अपने एक और फ्रेंड के साथ बाइक पे पहुँच गया है। बाइक एक ही था, क्योंकि बाइक एक ही था और हम लोग थक गए हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये हैं हम नमूना पार्ट 3। आई है हमारा दोस्त, वाह बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है भाई, आपको ऐसे दिखाता हूँ, एकदम डायगोनली एकदम ऐसा है। सामने आप देख रहे हो हनुमान जी हैं। हमें डर लग रहा है कहीं हमारे मोबाइल ना ले लें। पीछे का दिखा देता हूँ आपको, ले लेते हैं भाई, छीन लेता है फिर भी रख लो। नहीं बहुत अच्छा है। तो आप देख रहे हैं पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। जगह तो है, अब नहीं बुलाए तो छोड़ दो भाई, छोड़ ना यार, चल ना यार, खराब हो जाएगा। और पहुंच गए हैं 1 किलोमीटर, हमारा मित्र थक गया है। और ये आप देख लो, ये शॉर्टकट है कुछ। चलिए, जैसे कि हमारे छोटे भाई पीछे देख रहे हैं, बता रहे थे कि इन्हें कुछ भुवनेश्वरी मंदिर है, देखते हैं क्या है, कौन से माता हैं, बुलाई हैं तो जाएंगे ही, क्योंकि सबको नसीब नहीं होता है माता लोग से मिलने का। और हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हो हमारे सांस से भी पता चल रहा होगा कि कितना थक गए हैं, फिर भी जा रहे हैं। जस्ट एज्यूम कीजिए कि हमारी जगह विदेशिया होता तो क्या होता उसका, कहे कि हमारे साथ ही बिहारी है, इसका हालत ख़राब है तो उसका क्या होता। आप देख रहे हो सामने, चलो 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 उठो चलो। वो एक्चुअली मेन रोड है, मतलब कि मेन वे है ऊपर आने का, पर हम लोगों ने एक शॉर्टकट लगाया इन दोनों भाइयों के वजह से और थोड़ा जल्दी पहुंच गया। लगभग 200-300 मीटर का डिस्टेंस कम पड़ा है ये वाली रास्ते से, पर थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। ये हुआ मेन वाला रास्ता, आप देख सकते हो दिख रहा है, कुछ चहल पहल आवाजें आ रही हैं, ये देख सकते हो। मैं 1000 मीटर से आपको ये दिखा रहा हूँ नीचे का दृश्य, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और 1 किलोमीटर में चढ़ के आया हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एकदम परफेक्ट खूबसूरत लल्लन टॉप। और हमारा देखिए पसीना से हालत बेहाल है भाई, पर फिर भी जाना है, माता ने बुलाया है तो जाऊंगा जरूर, एकदम जाऊंगा। लगभग मैं पहुंच चुका हूं और आश्चर्य की बात यह है कि यहां पे मेरे को ये वाली मिली, डिस्टेंस मेंटेन करने वाला, वाह।
वो जो सामने रास्ता आप देख रहे हो उसी से आए हैं, बहुत ही सुनहरा। और वो सामने देख रहे हो वो रोड है, पर बहुत ही ज़्यादा हार्ट बीट तेज है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इतना ऊपर आकर। तो ये मैं अब अंदर जा रहा हूँ और सामने लिखा हुआ है कृपया शांति बनाए रखें, मैं हल्ला ना करूँगा, नो एंट्री। ये आप देखिए दलाई लामा जी हैं, यही बना है ना। तो ये दलाई लामा जी पूरा डोनेट किए हैं इसका वर्सी पीस। बोध ही सीढ़ी हमें चढ़ना है मंदिर तक पहुंचने के लिए। प्लीज़ टेक आउट शू। कौन सा? तो जैसा हमारा छोटू भाई बता रहा है, ये बुद्ध भगवान का छोटा सा टेंपल है और ग्लास में दिख भी रहे हैं और आपको भी दिख रहे होंगे, पर येल्लो स्केलिस हो गई है, क्लियर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हमारा भाई बता रहा है ये नया नया ही बना है अभी, आप देख सकते हो प्योर रॉक्स माउंटेन। आ जा, देख रहे हो हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं। उधर भी चलना है, उधर चलो ऊपर घुमा। शू खोल दिया, मेरे फेस पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्वेट चल रही है इस बीच। और यहाँ का भी करेंट वेदर 42 डिग्री सेल्सियस है, सरकार बताएगा। बोलो। कस के बोलो। ये मंदिर है और ये मैं अपना फोन यहाँ रखा और मैं यहाँ बैठ के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, शायद अंदर जाना मना है, राइट? तो जाए अंदर, हम तो किए हैं, कोई बोलेगा नहीं ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम यहाँ बैठे हैं और हमारा छोटा दोनों मित्र है, बोला अंदर जा सकते हैं। और ये आपको दिखाता हूँ कि कितना छोटा गेट है। ये देखिए, इसी गेट से मुझे अंदर जाना है, तो चलिए मैं अंदर की ओर आता हूँ। ये देखिए मैं अंदर आ चुका हूँ और आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये गेट हो गया, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये एक तरह से केव है, सामने बैठे हैं। ये देखिए भगवान जी हैं, इंटोनेशन बॉक्स। और ये आप देखिए, बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। ये एक पहाड़ के अंदर बना हुआ है, जैसे कि मेरा आवाज़ भी गूंज रहा होगा, अब बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही एक नंबर परफेक्ट। मैं यहाँ हूँ, पूरा पसीना गर्मी चल रहा है और अच्छा लग रहा है। और ये गेट है, ये मित्र बताया कि अभी दूसरे देश के हमारे गुरुजी हैं, शायद थाईलैंड के हैं, तो ये गेट बंद पड़ा है, वो जब आएंगे तब ओपन होगा। ये अच्छा कंस्ट्रक्शन है, नेचुरल है। क्या है पीछे? अच्छा, मेरा दोस्त बता रहा छोटा वाला, पीछे बाबा जी हैं पर हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। कौन सा? ये। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज ओके, बट टू मच क्लाइंबिंग हेयर फ्रॉम डाउन टू अप, एंड आई गेट माय फ्रेंड हेयर, ही इज वेरी गुड, एंड आई हैव टू बी गिव सम ट्रीट टू हिम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शुकु। हिज नेम इज सुस्का एंड हिज नो इंग्लिश आल्सो एज वेल एज, एंड वी आर हेयर राइट नाउ, एंड दिस ऑल माय फ्रेंड आर सिटिंग हेयर। सो वहाँ पे जो आप देख रहे हो स्टूल वगैरह, वहाँ पे भूटान के लोग आते थे और चाय वगैरह पीते थे, जैसे कि हमारा मित्र बता रहा है। तो बहुत अच्छा बताया है। अब आप देख रहे हो मैं शू पहन रहा हूँ, देख सकते हो कितना ही अच्छा कंस्ट्रक्शन है, आप देख रहे हो कितना ही रोमांटिक नज़ारा है। और हमारा छोटू आराम से एकदम देखिए, बहुत ही परफेक्ट शॉट की ओर जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इजी वे में मैं नीचे जा रहा हूँ, पीछे दोस्त देख रहे हैं यहाँ तक आ गया है, बहुत ही अच्छा परफेक्ट शॉट है। कुछ बोलेगा?
ये हमारा छोटा मित्र है, आएंगे दोबारा। ठीक, तो नाम क्या हुआ? शिव। ठीक है, इसका नाम हुआ शिव। और हम लोग यहाँ से अब लौट रहे हैं अपनी घर की ओर। आप किधर रहते हो? चलिए, इधर रहता है शिव, इस जंगल में मंगल करता है, आप देख रहे हो। अब और हम लोग का व्हीकल्स वहाँ लगा हुआ है। तुमको दिया हुआ? दादी कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी, जस्ट ओपन वन, खाइएगा अनर्था। एक निकाल के देते हैं। ओके, खा लो। ठीक है, ले दादी, ला खाई, खा बस करो। ओके बॉस, खेला बहुत ही बढ़िया, एक नंबर, एक फोटो खींच, एक नंबर, परफेक्ट। Is the happiness? Yes, Paco. Bye bye. देखिए, सीधा है बिहार शरीफ 27 किलोमीटर, अब बख्तियारपुर 60 किलोमीटर, बख्तियारपुर मत जाइएगा। हरियाली हरियाली देख रहे हैं। ये अभी हम लोग राजगीर में हैं, जो कि पहला ये कैपिटल था पन्नानंद का, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का। पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए साइकिलिंग भी है, उसी से ज़्यादा मस्ती से एक्सप्लोर किया जा सकता है। फिलहाल अभी हम लोग रोपवे के पास जा रहे हैं, देख रोपवे चल रहा है कि नहीं। वैसे भी रोपवे तो बंद हो जाता है 5 बजे, देख लेते हैं। तो इधर से निकलना है पटना, ये मिस्टेक मत कीजिएगा जिधर जाए उधर जाने का। देख रहे हैं अभी हम लोग एरियल रोपवे वॉलंटियर्स पीक और घोरा कटोरा डैम बर्ड सेंचुरी में आए हैं, और विश्व शांति स्तूप के पास आए हैं। ये गिरी फर्स्ट कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड धनानंद, दिस इज द ग्रेट किंग इन इंडिया। मेरे सामने वो देख रहे हो वही रोपवे है। बाय दस बेडेड वे वी हैव टू बी रीच द टेम्पल, वहाँ से एक मंदिर पे जाने का रास्ता है। रोपवे का जो प्राइस है वो 80 रुपीज है। तो देख रहे हो वाइट वाला, वहीं से ये रोपवे काम करता है। फैसिलिटी अवेलेबल इन रोपवे।
एवरीथिंग इज क्लोज्ड, एवरीथिंग। आप देख रहे हो सब कुछ क्लोज्ड है। द वेरी बिग मैकेनिज्म बाय दिस दैट रोपवे विल वर्क। यू कैन लुक, आप देख रहे हो थिंग इज क्लोज्ड हेयर बिकॉज ऑफ द COVID-19। यस, एंड दिस वन इज द रोपवे। वी हैव टू बी पे फॉर 80 rupees and then we have to be go to one temple is there. Do you think it's the same price for Indian and foreigner? 80 rupees? No, I think for you may be different, but for us 80 rupees, because I didn't see different. I only saw 80. Yeah, other no different. In poster you cannot find anything, but when you go to counter they will be recognized and they will be give you different one. Sir ke sath kaha ja raha hai ki aaye the bahut sara cheez ghoomne ke liye par kuch ghoom nahi paaye क्योंकि सब कुछ क्लोज है यहाँ पे, एवरी थिंग क्लोज। अभी हम लोग राजगीर में हैं, वन ऑफ द ग्रेट टूरिस्ट प्लेस फॉर फॉरनर और एवरीवन, बट एवरी थिंग इज क्लोज हेयर राइट नाउ। इतना अच्छा व्यूज है, आप देख सकते हो हमारे सामने, अच्छा ब्यूटीफुल हवा चल रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि जन्नत में आ गए हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, like a very beautiful and yeah. Some sound is coming like yeah. A very good noise. So I remove the mask because yeah. I want to pray. Yeah. Okay, boss. I thought it was okay. Yeah. No, this is zero. Yeah. We reached. Rao, we are on the way to Swarn Bhandar. So there is the deer park. And look right, look thoda bus seedha left kar lo. This is the Son Bhandar, it means lots of gold is here. I don't know now it's there or not, but in previous time lots of gold is here. Look, monument, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पटना सर्कल। लॉक है, आप देख सकते हो, मतलब कि सारा कुछ ही लॉक है, कुछ भी ओपन नहीं है। अभी जो है हम सोन भंडार के पास हैं। दिस इज द पांडू पोखर, इट्स ऑलरेडी क्लोज, आप देख सकते हो। चलो फ्रंट गेट ऑफ द जापानीज temple, but it's already closed. I think it's already previous time it's open because it's written without marks not entry, but now it's closed. And you can look, it's a very big statue and everything written in Japanese. आप जो सामने देख रहे हो ये राजगीर अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र है, राजगीर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेंटर। Everything is closed here, nothing is open. क्या नाम है सेवन क्यों? चलिए ना बताते हैं। अरे बिहार। पूरी गाने के साथ सुनते हुए मनोरंजन करते हुए अपने रास्ते की ओर निकल पड़े हैं हम लोग। हम लोग ये सोचकर निकले थे अपने घर से कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, पर सब कुछ बंद है। हमें लगा था कि अनलॉक 4 की वजह से ओपन रहेगा, पर ऐसा कुछ भी ना हुआ, एवरीथिंग इज क्लोज। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की ओर। बाइक है, बस कर।